गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। बैंकचोद कैमरा ऑन होते ही यहाँ MCD मादर चोद डिपार्टमेंट दिखाई दे गया है। ये साले पहले सबसे पहले इस डिपार्टमेंट को पीछे करो, इन्होंने दुखी कर रखा है, काम धाम करते नहीं है। बहुत सारी गाड़ियाँ सड़क पे लेके हमारा सरकारी टैक्स खर्च करते रहते हैं। लो भाई, भाई की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसको वापस भेजो, वापस चलो। नहीं भानचोद, तुमको पेट्रोल नहीं खरीदना था तो वोट काहे नहीं डालने जाते हो बे साले? लाइसेंस तुम्हारा बन गया लेकिन तुम वोट डालने नहीं जाओगे। सही बात है भैया, हम लौंडे नहीं है, हमने बच्चे पालने हैं। आप हेलमेट पहनो और लाल बत्ती जंप मत करो, डबल सवारी से ट्रिपल सवारी मत करो, रॉन्ग साइड मत चलो, आपको कोई पुलिस वाला नहीं रोके। आपके मेरी गाड़ी के RC कहाँ पड़ी है मुझे नहीं पता, सच में कहाँ पड़ी है मुझे ये नंबर याद नहीं है। आहा, ढंग से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला। तो गाइस, ये जो हमारे लेफ्ट साइड में, यानी कि जो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में हरित क्रांति दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में अयाशी का अड्डा है आशिकों का। ये है स्वर्ण जयंती पार्क, यानी कि जापानी पार्क रोहिणी का। और भाई यहाँ पर एक बार आप दोपहर में आकर देख लो, आत्मा आपकी तृप्त हो जाएगी, तृप्त, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी को मुबारक हो दिल्ली की तरक्की। जी हाँ, दिल्ली को पेरिस का रोल मॉडल बनाया जा रहा है, जिसके लिए सड़कें छोटी करके फुटपाथ बड़ी की जा रही है। परंतु आपको बता दूं, दिल्ली में बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि चलती रहती है और ट्रैफिक जैम लगते रहते हैं, परंतु फिर भी उसके बाद भी हमारी सरकार जो है यहाँ पर सड़क छोटी करके बना रही है दिल्ली को पेरिस। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। चलो भाई, सुबह सुबह निकल चले स्कूटी उठा के शहर को। और भाई आजू बाजू आने वाले सब कह रहे हैं राम राम भाई, राम राम भाई। यो हिंदुस्तान से यहाँ राम राम करने वाले को राम राम भी मिलती है और मन में गाली भी देते हैं।